और चार्जेस तो वो करते हैं। अब आपके दिमाग में, में तो प्रोटॉन so एक से ज्यादा है तो वो प्रोटॉन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिर स्टे नहीं कर पाएंगे लेकिन हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते प्रोटॉन न्यूक्लियस में इस रिपल्सिव इफेक्ट के होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बाइंड होकर रहते हैं ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आज हम ढूंढेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होने के बावजूद वो न्यूक्लियस में स्टेबल फॉर्म में बैठते हैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम एक सिंपल न्यूक्लियस लेते हैं हीलियम का हीलियम टू फोर हीलियम में फोर न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें से टू प्रोटॉन हैं और टू न्यूट्रॉन्स हैं आपने प्रीवियस फर्स्ट आप इन दोनों की मैथ वैल्यूज को देखें तो इनमें बिल्कुल डिफरेंस है जिसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों का मैस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है सो so, इस इक्वल मैथ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर मैं कहूं की मैस ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एम एंड ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू सो मैंने दोनों के मैस की वैल्यूज को एम से इंडिकेट किया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल मैस कितना है तो टोटल मैस होगा सम ऑफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हीलियम के न्यूक्लियस में फोर न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें से टू प्रोटॉन हैं और टू न्यूट्रॉन हैं सो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में जो चार पार्टिकल्स हम कंबाइन करेंगे उनका टोटल मैस है फोर एम सो इन दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को आपने फ्यूज किया आपस में कंबाइन किया और इनके कंबाइन होने से जो न्यूक्लियस बना वो है हीलियम न्यूक्लियस सो अब अगर आप इस हीलियम न्यूक्लियस का मैस फाइंड करें तो ये मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस लेस देन होगा फोर एम से 4m उन पार्टिकल्स का टोटल मैस था जिन्हें जोड़कर जिन्हें बाइंड करके हीलियम न्यूक्लियस बनाया गया लेकिन हीलियम का मैस इन फोर पार्टिकल के टोटल मैस 4m से कम आया आप देख रहे हैं कि हीलियम न्यूक्लिया लाइटर है और जो फोर पार्टिकल्स आपने किए थे उनकी साइट साइड है तो कुछ मैस कहीं गायब हो गया इस मिसिंग मैस को कहा जाता है मैस डिफेक्ट लेकिन ये मैस कहीं जाया नहीं होता ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है किस तरह कन्वर्ट होता है ये विद इन सेकेंड में आपको बताती हूँ मैस डिफेक्ट को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो मैस डिफेक्ट का सिंबल है डेल्टा एम और डेल्टा एम की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी डेल्टा एम इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी मल्टीप्लाई मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस इस इक्वेशन में जी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड ए माइनस जी इंडिकेट कर रहा है इस इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे एक एग्जाम्पल में भी लेकिन वो थोड़ी देर में ये स्टूडेंट अभी तक आपने ये देखा कि जब आप न्यूक्लियंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उसके मैस की वैल्यू उन अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के टोटल मैस से कम आती है और ये जो डिफरेंस इन मैथ आता है इसे कहा जाता है मैथ डिफेक्ट और डिफेक्ट की इक्वेशन कुछ इस तरह से है इस डिफेक्ट की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में बाय यूजिंग आइंस्टाइन एनर्जी मैथ इक्वेशन ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर की हेल्प से ये स्टूडेंट आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैथ जिसका मतलब है कि एनर्जी एंड मैथर इंटर कन्वर्टेबल तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक मैटर की शक्ल एडॉप्ट कर लेती है और अगर आप इस मैटर को डी कम्प्रेस कर देटर कर दें तो ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सो so, ये स्टूडेंट जब आपने स को कंप्रेस किया फ्यूज किया तो उसमें मैस डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करते हुए ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था सो so, अब अगर इन न्यूक्लियंस को जो आपस में बाइंड हो चुके हैं अगर इन न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है तो ये खुद अलग नहीं हो सकते क्यों अलग नहीं हो सकते उसकी वजह ये है कि इनके पास सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिसिंग है क्योंकि जब ये आपस में ज्वाइन हुए थे तो इनका सर्टन अमाउंट ऑफ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था सो so, वो एनर्जी जो एट दैट टाइम कन्वर्ट हुई या रिलीज हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस वो एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स के पास अब मिसिंग है जब तक इनको वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते सो so, अब इनके बीच में चाहे रिपल्सिव इफेक्ट भी है लेकिन उस रिपल्सिव इफेक्ट के बावजूद ये मजबूर हैं एक दूसरे के साथ बाइंड होकर न्यूक्लियस में रहने के लिए क्योंकि इनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है और वो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इन्हें मिल जाए तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे से अगेन अलग हो जाएंगे और वो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी सो so, बाइंडिंग एनर्जी होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स अपार्ट

और वहां जब आपने सर्च किया तो सिंगल रूम अपार्टमेंट का रेंट था फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं जस्ट वन थाउजेंड रुपीज आप इसी परेशानी में खड़े हैं कि आपका एक और दोस्त आपसे मिलता है सेम उसका भी यही प्रॉब्लम है वो भी सर्च कर रहा है सिंगल रूम अपार्टमेंट लेकिन वो भी यही कहता है कि रेंट है फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वन थाउजेंड रुपीज अब आप दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि ऐसा अपार्टमेंट ढूंढा जाए जो टू बेडरूम अपार्टमेंट हो लेकिन उसका रेंट टू थाउजेंड हो ताकि हम दोनों वन थावसंट, वन थावसंट पे कर सकें और वहां पर कंफर्टेबल वे में रह सकें सो so, सर्च करने पर उन्हें मिलता है टू बेडरूम अपार्टमेंट फॉर द रेंट ऑफ टू थाउजेंड रुपीज अब उनका एक तीसरा दोस्त मिलता है सेम प्रॉब्लम शेयर करता है कि आई कैन अफोर्ड बट द रेंट ऑफ वन रूम अपार्टमेंट इज सो अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा अपार्टमेंट सर्च करें जिसमें तीन बेडरूम्स हो और उसका रेंट थ्री थाउजेंड हो ताकि तीनों वन थाउजेंड की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें रह सकें सो इन्हें मिलता है थ्री बेडरूम अपार्टमेंट और ये तीनों थ्री थाउजेंड के रेंट पर वहां रहना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इनको बचत कितने की हुई फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज की क्योंकि अगर ये अलग अलग रहते तो इन्हें देने पड़ते फिफ्टीन हंड्रेड और टोटल जो ये तीनों पे करते वो होता फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन कलेक्टिव रहने पर इन्हें फाइव हंड्रेड रुपीज पर हेड बचत हुई और तीनों बड़े आराम से वहां पर रह रहे हैं अब इन तीनों में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया अब ये तीनों इकट्ठे नहीं रहना चाहते अब ये तीनों अलग होना चाहते हैं लेकिन अगेन फाइव हंड्रेड रुपीज की डेफिशिएंसी इनको अलग नहीं होने देगी क्योंकि इनके पास अलग रहने के लिए जो चॉइस है वहां पर इन्हें पे करना पड़ता है 1500, जबकि कलेक्टिव रहते हुए इनको पे करना पड़ता है जस्ट 1000 थाउजेंड सो so, अब इनमें इख्तिलाफ, इख्तिलाफ की वजह से ये अलग भी होना चाहते हैं लेकिन फाइव हंड्रेड रुपीज की पर की ये चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते सो so, ये मजबूरन तीनों उसी एक सिंगल अपार्टमेंट में ही रहना शुरू कर देते हैं यही हाल न्यूक्लियॉन्स का भी है कि न्यूक्लियॉन्स जब कलेक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियस में आते हैं तो उनके बीच में एग्जिस्ट करता है रिपल्सिव इफेक्ट और उस रिपल्सिव इफेक्ट के होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते उसकी वजह है कि इनके पास होती है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी और वो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी अगर हम पूरी कर दें तो ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे सो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह जब न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सो so, इस कम्बिनेशन के प्रोसेस में आता है मैस डिफेक्ट और ये मैस डिफेक्ट किस तरह ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी इक्वेशन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और ये एनर्जी जब वो कंबाइन होते हैं तो रिलीज होती है सो so, जब आप इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल अमाउंट उस न्यूक्लियस को दें तो आप उस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं उसके न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से स्प्लिट कर सकते हैं सो बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये था डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह एक लाइटर हीलियम न्यूक्लिया को जब हम बनाते हैं तो वहां कितना डिफेक्ट जनरेट होता है और ये मैस डिफेक्ट कितनी एनर्जी को रिलीज करता है या इन अदर वर्ड्स अगर हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी सो so, पहले हम देखते हैं मैस डिफेक्ट इन जनरेटिंग या इन क्रिएटिंग अ हीलियम न्यूक्लिया मैस डिफेक्ट की इक्वेशन है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम प्लस ए माइनस सी माइनस मैथ ऑफ न्यूक्लियस इस इक्वेशन में मैथ ऑफ प्रोटॉन को हमने इंडिकेट किया है एम से और मैथ ऑफ न्यूट्रॉन को हमने इंडिकेट किया है एम से ये स्टूडेंट इसमें हम जो मैसेज की वैल्यूज पुट करेंगे वो पुट करेंगे एटॉमिक मैस यूनिट्स में सो so पहले आप इनकी वैल्यूज देख लें

यहां पर हमने Z की जगह पर पुट किया है टू और ए माइनस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा m की वैल्यू आएगी 0.03034 u। क्योंकि ये मैस डिफेक्ट की वैल्यू हमने अटोमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट की है सो so पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन किलोग्राम्स किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे जब आपने डेल्टा एम की वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई फाइव पॉइंट जीरो माइनस नाइनटीन किलोग्राम सो आपने डेल्टा एम की वैल्यू को के जीज में कन्वर्ट कर लिया अब आपको मैंने बताया था कि यही डेल्टा एम जिसे आप मैस डिफेक्ट कहते हैं इस मैस डिफेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू एनर्जी बाई यूज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्कूल की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू थ्री इंटू टेन टू पावर एट को आपने पुट किया इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व स्टूडेंट्स ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हीलियम न्यूक्लियस को बनाते हुए रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि जाउल में है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर दिस कन्वर्जन वी यूज दिस इक्वलिटी। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी की वैल्यू 4.5 10 टू पावर माइनस 12 जाऊं को अगर डिवाइड करते हैं 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 से तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी वैल्यू आएगी 2.82 इनटू 10 टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको आप

न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा सो so, ये तो थी बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम न्यूक्लियस अगर आप इसी बाइंडिंग एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका मतलब है अगर आप इन फोर में से किसी एक न्यूक्लियॉन को किसी एक पार्टिकल को अलग करना चाहें तो उस एक सिंगल पार्टिकल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए सिंपली आप इस बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मैस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को जब आपने हीलियम न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट करना है तो यू विल डिवाइड 28.2 बाय 4 क्योंकि हीलियम में फोर न्यूक्लियॉन हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट

तो so, पहले हम कन्वर्ट करते हैं इस 1U, 1 u विच इज 1.6606 पॉइंट टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी के जी इस मैस की अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में बाय यूजिंग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसमें m की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.6606 10 टू पावर माइनस 27 kg और c की जगह पुट करेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल स्क्वायर जब आपने यहाँ पर ये यह सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई की तो आपके पास आएगा 14.9 10 टू पावर -11 जाउल। इस वैल्यू को जो कि आपके पास जाउल में आई है अगेन आप कन्वर्ट कर लें बाय यूजिंग दिस इक्वालिटी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो जब आप 14.9 10 टू पावर -11 जाउल को डिवाइड करेंगे 1.6 10 टू पावर -19 से तो आपको आंसर मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो so, आपने देखा कि आपने वन यू की जो वैल्यू थी जो कि किलोग्राम्स में थी उसी वैल्यू के क्रस्पॉन्डिंग एनर्जी की अमाउंट को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग e तो आपको पता चला कि 1.6606 टू सेवन के जी अमाउंट ऑफ मैस कैरी करती है नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी सो आपने प्रीवियस जो डेरिवेशन की उसमें जब आपने डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और वो थी जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री फोर यू इसके बाद आपने डिफरेंट स्टेप्स किए थे सो so, अगर आप इस डेल्टा एम की वैल्यू को डायरेक्टली 931 थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट ट्वेंटी एट पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डायरेक्टली इन वन स्टेप सो यही मेथड हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं जब आप डेल्टा एम की या डिफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और आपने उस मैस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू एनर्जी सो एक लॉन्ग स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करने की बजाय हम अगर उस डेल्टा एम की वैल्यू को डायरेक्टली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेल्टा एम कन्वर्ट हो जाता है इंटू रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह हीलियम न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी आप दो डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं अब आपकी बुक में दो डिफरेंट ग्राफ्स भी डिस्कस हुए हुए हैं उनमें से फर्स्ट ग्राफ है ये वाला इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन जिसे आप पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं और एक्स एक्सिस पर है अगेन चार्ज नंबर डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने मैस ऑफ न्यूक्लियस पहले लिखना है और इस मैस ऑफ न्यूक्लियस में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है मैस ऑफ न्यूक्लियंस को सो डेल्टा एम की इक्वेशन बनेगी मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस Z mass of plus A minus Z A so, पर जब आप डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं बेसिकली है. so, होता ही नेगेटिव में है सो so, आप अगर वाई एक्सिस पर ड्रॉ की गई वैल्यूज को देखें तो वो भी नेगेटिव में है टॉप से अगर हम स्टार्ट करें तो वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फिर है माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट एंड माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो और आप जानते हैं कि नेगेटिव में वैल्यू या फैक्टर जितना बड़ा हो वो उतना ही स्मॉलर होता है सो so, इस y एक्सिस पर 0.009 वैल्यू बाकी दोनों वैल्यूज के कंपैरेटिवली सबसे कम वैल्यू है क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव में हैं। सो so, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है हमें ये पता है कि वो एलिमेंट जिसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लिया होता है सो so, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें तो सबसे जो लीस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है वो है आयरन यानी एफ ई का और इसके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लीस्ट है सो so ये इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे स्टेबल न्यूक्लिया होगा सो डियर स्टूडेंट आयरन से पहले और बाद के जितने भी एटम्स हैं वो आयरन के कंपैरेटिवली वो एफ ई के कंपैरेटिवली ऑब्वियसली लेस स्टेबल हैं क्योंकि उनके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू से बड़ी हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा यूरेनियम so जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके है। so पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यूरेनियम का उतना ही अनस्टेबल न्यूक्लिया होगा सो so इन सारे न्यूक्लिया में से सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है आयरन का और सबसे लीस्ट पैकिंग फ्रैक्शन भी आयरन का ही है सो so ये वाला ग्राफ आपको पैकिंग फ्रैक्शन जिसे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है उसका और चार्ज नंबर का आपको रिलेशनशिप बता रहा है और यह भी बता रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन के साथ किस तरह कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन से न्यूक्लियस कम स्टेबल हैं नेक्स्ट पेज पर जो दूसरा ग्राफ है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मैस नंबर के बीच में एक्स एक्सिस पर है एटॉमिक मास नंबर और वाई एक्सिस पर ड्रा किया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को अगर आप देखें तो जो लाइटर न्यूक्लिया है यानी जब आप हाइड्रोजन से आगे मूव करते हैं ड्यूट्रियम हीलियम और चलते हुए जब आप अगेन एफ ई यानी आयरन तक पहुंचते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है इसमें अगर आप देखें तो हीलियम की जो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की थी वो थी 7.05 पॉइंट जीरो फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें भी वाई एक्सएस पर अगर आप हीलियम न्यूक्लियस को वाई एक्सएस के साथ टच करें तो इसकी वैल्यू सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है सो so,

कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी लेकिन टिल आयरन आपके जितने भी न्यूक्लिया हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टिल आयरन ये सारे स्टेबल न्यूक्लिया हैं इनको ज्यादा अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपने इनके न्यूक्लियाई को ब्रेक करना है और सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है आयरन के केस में सो so, स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो so, इसमें जो स्टार्ट के एलिमेंट्स हैं टिल आयरन इनकी बाइंडिंग एनर्जीज ज्यादा हैं यानी इनके न्यूक्लिया को जब आपने बनाया था तो मैस डिफेक्ट और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी सो so, ये लाइटर फ्यूजन के प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं जबकि आयरन के बाद के जो न्यूक्लिया हैं उनके न्यूक्लियस क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम है सो so, उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे सो so, उनके अनस्टेबल न्यूक्लिया को स्प्लिट करना आसान है सो so, ये वाले न्यूक्लिया यूज होते हैं फिशन के प्रोसेस में सो डियर स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर जिसमें आपने बड़ी डिटेल में देखा कि मैस डिफेक्ट क्या था और मैस डिफेक्ट से किस तरह एनर्जी में कन्वर्जन हुई और वो एनर्जी कहलाई बाइंडिंग एनर्जी और इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को हमने लाइटर न्यूक्लियाई हीलियम के लिए कैलकुलेट किया और मैंने आपको दो मेथड्स बताए एक थोड़ा लॉन्गर है और दूसरा जिसमें आपने वन यू को कन्वर्ट किया नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक वो मेथड है जिससे आप शॉर्ट स्टेप्स में डेल्टा एम को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी में तो फिर आपने दोनों ग्राफ्स को देखा कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन डिफरेंट न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और किस तरह बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेस इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद न्यूक्लाइक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बट देन अल्लाह हाफिज